अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुलचे उर्फ नान। तो मैंने सोचा उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, वीडियो बना ली जाए। एंगल ख़राब हो गया, पता नहीं लगा मुझे, उसके लिए माज़रत। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये डाला हुआ है मैदा। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक 1 चम्मच। ओके, इसके बाद हम डालेंगे चीनी, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ। ढूंढ नहीं रही, मतलब कि अरेंज कर रही हूँ। ठीक हो गया, ये चीनी मिल गई, फेंक दी। अब हम कुछ डाल रहे हैं। अच्छा, ये डाल रहे हैं यीस्ट, मतलब खमीर। वीडियो यार काट काट के बनाइए तो मैं भूल गई मैंने क्या क्या डाला। इसके बाद अब मैं फिर रुक गई हूँ। अब मैं शनि भाई से पूछ लूँगी कि अब क्या डालना है। तो अब शनि भाई ने मुझे क्या बताया कि क्या डालना है। अंडा डालेंगे अब हम इसमें। अंडा भी डाल दिया, गिर गया अंडा। अब मेरे ख्याल से हमने और कुछ नहीं डालना। हमने नहीं नहीं डाल रहे हैं यहाँ। इसमें थोड़ा सा दूध, मतलब कि कप में थोड़ा सा डालना है, आधे से भी कम, वो मैंने डाला है। दूध और दही में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं, हमने दूध डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आटे वाली मशीन, जो मशीन थी ना, वो ख़राब हो गई। उसमें मैदा बड़ा फिट सा गूंथता है, तो अब हाथों से करना पड़ रहा है। और अब हम इसमें गर्म पानी, नीम गर्म पानी ऐसा ऐसा करके डालेंगे, और जिस तरह जो आटा गूंथते हैं ना, उस तरह करेंगे। और ये मैंने स्टार्ट कर लिया है। शुम शुम शुम, ओ वाओ, मैंने गूंथ भी लिया। और अब ये मुक्की टाइम, धूस धूस धूस, था। यार ये मैदा ना बड़ा यहाँ से लुस लुस चिपकता है, जो भी इसको कहेंगे। अब हम डाल रहे हैं घी, थोड़ा सा ऐसे घी डाल के ना, उसको ऐसे क्या करना है, गीला गीला टाइप से, मतलब के चिपके ना, ऐसे ऐसे करके उसको किया। और अब उसको बॉल में मैंने डाल दिया। फिर ऊपर घी का एक हाथ ऐसे गीला से करके ना इसके ऊपर लगाऊंगी। ये मैंने लगा दिया लोशे किस्म का। और अब इसको मैंने ओवन में डाल दिया। ओवन चल नहीं रहा, ओवन बंद है, मतलब गरम ऐसी जगह पे रखा गरम वाली। और ये ऐसे मैंने शो कराया कि आटा जो है ना हमारा, आटा जो है ना वो फूल गया। नहीं नहीं वो फूल गया था, लेकिन इतना नहीं फूला जितना होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक था, बस हो गया। अब मैं इसका एक वो पेड़ा बना रही हूँ। पेड़ा बना के मैंने लाइन से लगा दिया, ताकि फटाफट 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 बन जाए। इतनी जल्दी मैं काम नहीं कर रही है, मैंने तेज़ वीडियो की हुई है, ठा 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 करके। अब जी पहला नान तैयार होने लगा है, चुक 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 चुक। और ये अब बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रोफेसर साहब साथ खड़े हुए हैं, खाम खा। मैंने ना पहला वाला नान थोड़ा सा बड़ा सा बनाया, फिर शानी भाई ने इन लोगों ने कहा छोटा छोटा बनाए, फिर उन्होंने छोटा छोटा बनाया, लेकिन अच्छा बना था। अब इसके ऊपर जो है ना हम वो अंडा डालेंगे, अंडा और दूध मिक्स करके ना। दूध थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डाल दिया, इतना नहीं डालना होता, बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता, बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये ऐसे ऐसे करके मैं ना निशान बना रही हूँ, क्योंकि वो पंचर टाइप से हमारे पास है नहीं, तो नाखून होते तो ज़्यादा वो गहरे निशान डलते इस पर। यह मैंने कर लिया। और अब इसके बाद हम वो जो मैंने आपको बताया ना, अंडा और दूध मिक्स करके ऊपर लगाना है कलर के लिए, वो होता है, यह मैं वो लगाने लगी हूँ। आ जाओ, चलो चलो चलो, शाबाश, ठा ठा ठा, गुड, वेरी गुड, यही चीज़, कीप इट अप। अब इसके बाद हमने डालने हैं इसके ऊपर तिल। अब तिल पेश किए जाएंगे मेरे सामने, और तिल मैं डालूँगी। चलो रख दो बस। और ये मैं तिल डाल रही हूँ, मुझे तिल का बहुत मज़ा आता है। अन्य वहाँ मैंने तिल डाल, ये लोग कहते हेलो इन्ने तिल, तो मुझे मज़ा आता है। और ये अब हमने डाली है कलौंजी, कलौंजी थोड़ा सा ऊपर डाली है, और कुछ डालते हैं, धनिया भी आपकी मर्ज़ी है, आपने ऊपर जो कुछ लगाना है आप डाल लीजिए। ये अब हमने वो डाल दिया कलौंजी। और इसके बाद क्या करना था मेरे ख्याल से, बस और नहीं कुछ डालना। और अब हम इसको उठा लेंगे यहाँ से, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ ये हम उठाने लगे। और अब हम इसको तवे पे उस पर रखने लगे हैं ना, हाँ तवे पे, फ्राई पैन जो भी आपके पास है, ताकि उसकी जो नीचे वाली साइड है ना, वो तो उसको सेक लग जाए, वो थोड़ा सा बन जाए। तो सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए ना, ताकि उसको सेक लग जाए, नीचे से उसकी चीज़ बन जाए। ओवन में ऊपर वाली बनती है, नीचे वाली भी बन जाती है, लेकिन ना इस तरह पहले कर लिया करें। और ये नान मैंने रेडी कर लिया, अभी जाने लगे हैं ओवन में। शुरू,
और ये क्या बात है, क्या कलर आया, क्या नान बने हैं कुलचे। मुझे कुलचा खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुलचे ही होते हैं, नान कुछ और होता है। और ये, और ये देखा, पहला नान मैंने बड़ा बनाया था, मैंने कहा था ना, फिर छोटे छोटे बनाए, बहुत मन से के बनाए। अब ये हम ना, ये देखो ज़रा टिशू से मैं कहीं जा रही हूँ कि टिशू पे ऑयल लगा के तो टिशू वो जज्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लग गया था। ऐसे डालते ना, ऐसे ऑयल पकड़ के, ऐसे स्पंज टाइप से अगर कुछ होता फिर फिट लगता। लेकिन ये रोगनी नान टाइप बहुत आला किस्म के हमने बनाए। अब ये जो जो रेसिपी देखे ये ट्राई ज़रूर करें, बड़े फिट बने थे। और ये साथ अभी चिकन आएगा जो शानी भाई ने बनाया था, मिंट चिकन इसका नाम है, लजीज। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। टाटा।